हाउ टू इम्पोर्ट वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड बेनिफिट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है एक सर्टिफिकेट है जो एक्सपोर्टिंग कंट्री की गवर्नमेंट निकाल के देती है। मतलब जैसे कि मैं इंडिया से एक्सपोर्ट की बात करूं और अमेरिका के अंदर कोई इम्पोर्ट कर रहा है, तो एज ए इंडियन एक्सपोर्टर मैं जो गुड्स एक्सपोर्ट करूंगा उसका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में निकलवाऊंगा। इंडिया के अंदर पहले जो है यहाँ पे चैंबर ऑफ कॉमर्स से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन निकलता था, अभी जो है यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म हो गया है लाइक COO.DGFT.GOV.IN। ये प्लेटफॉर्म जो है वहां से आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक्सपोर्ट में निकाल सकते हो। तो इम्पोर्ट हम करेंगे तो हमारा सप्लायर जो है उसकी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स होगा, या फिर कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इश्यू करता है वहां से वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन निकलवाएगा। अब मेनली उसका यूज क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है वो प्रूव करता है कि गुड्स जो है कौन सी कंट्री में बना हुआ है, वो यहाँ पे प्रूव दे करता है। मतलब कि गुड्स कहाँ पे ओरिजिन हुआ है उसका वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है। अब यहाँ पे और एक डिटेल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं चाइना से फैब्रिक इंपोर्ट कर रहा हूँ, धागे इंपोर्ट कर रहा हूँ, थ्रेड इंपोर्ट कर रहा हूँ एंड इंडिया के अंदर शर्ट बना रहा हूँ और उसको अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये जो शर्ट है क्या इसका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इंडिया का रहेगा या चाइना का रहेगा? क्योंकि देखो फैब्रिक चाइना का है, धागा चाइना का है, हमने तो यहाँ पे उसको अलग सिलाई किया है, वो शर्ट बनाए यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होगा? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक रूल होता है, वो आप जानोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट्स होगा। जैसे कि कोई भी कंट्री का रूल होता है वैल्यू एडिशन का, कि कोई भी प्रोडक्ट आप इम्पोर्ट करते हो उसमें री लेबलिंग, री पैकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग आप करते हो एंड 35% या 40% वैल्यू एडिशन करते हो तो गवर्नमेंट जो है उसको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दे देगी। मतलब यहाँ पे वैल्यू एडिशन से भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिल सकता है एंड यहाँ पे वैल्यू एडिशन के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल रहते हैं। अब यहाँ पे हमको ये तो पता चल गया कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, एक गुड्स का सर्टिफिकेट कहाँ पे वो गुड्स बना है उसका ये प्रूफ है। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट सबसे इंटरेस्टिंग है। अब इम्पोर्ट करते हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही काम की है। जैसे कि इंडिया के लाइक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अदर कंट्री के साथ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया यूएई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया आसियन कंट्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि हमारी कंट्री से कोई और कंट्री के अंदर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है तो वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगता है। एंड वो कंट्री से, जैसे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ऑस्ट्रेलिया से आप इंपोर्ट करते हो कोई भी चीज, जनरली 95% प्रोडक्ट पे इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगता है। मतलब आप सेम टू सेम प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। जैसे कि कॉटन शर्ट है, वो आप चाइना से इंपोर्ट करते हो इंडिया में तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, बट ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो ऑस्ट्रेलिया से आप इंपोर्ट करते हो तो आपको उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। ओनली बेसिक जो जीएसटी होगा वही भरना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे नील हो जाएगी। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का ये बेनिफिट है। देखिए यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया से शर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, अब ये मालूम कैसे पड़ेगा कि ये शर्ट ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया में बना है? सुनर मैंने एग्जांपल दिया ना कि ऑस्ट्रेलिया वाले ने चाइना से फैब्रिक इंपोर्ट किया है, चाइना से धागा इंपोर्ट किया है, फिर शर्ट बनाया और फिर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए सारा रॉ मटेरियल एंड बेसिक चीजें जो है वो तो चाइना की है, तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे ड्यूटी का बेनिफिट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसलिए यहाँ पे आता है वैल्यू एडिशन का रूल कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उसको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दे देती है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये गुड्स जो है ऑस्ट्रेलिया का है, वहां से आप इंपोर्ट करते हो तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे वैल्यू एडिशन का रूल क्यों लाया है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे अभी अमेरिका और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि चाइना से कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका में जाएगी तो ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। अब यहाँ पे देखो चाइना वाले तो होशियार है, वो चाइना से अपनी प्रोडक्ट क्या वियतनाम ले जाएंगे, वियतनाम से अमेरिका भेजेंगे तो फिर तो क्या होगा, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पे वैल्यू एडिशन का रूल भी लाया गया है कि इस हिसाब से जो है वैल्यू एडिशन रहेगा तो ही वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिलेगा। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का ये बेनिफिट है कि इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगता है या कम लगता है। तो आप यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हो तो इंडिया के अंदर इंपोर्ट में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे 140 करोड़ से भी ज्यादा की पॉपुलेशन है तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। बट मैं आपको बता दूं यहाँ पे इंपोर्ट आपको करना है, सब रूल्स एंड रेगुलेशन जान के कीजिएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वरना आप इंपोर्ट करोगे आपका कंट्री जो है कस्टम में फंस जाएगा, आपको सीधा ही यहाँ पे 10 लाख का लॉस हो जाएगा, 20 लाख का लॉस हो जाएगा, खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा बाहर आया ऐसा हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना है आपको, एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है आपको, इंपोर्ट का बिजनेस करना है पहले पूरा सीखिए। यस मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे कई लोग है उसको 80% चीजें आती है, देखो ये कॉमन चीज है, 80% हमें हर एक चीज आती है,
आती है। आपको क्रिकेट खेलना आता है, 80% आपको भी आता है, मैं भी खेलता हूँ, आप भी खेलते हो, बट क्या विराट कोहली जैसा खेल सकते हैं? उसके लिए हमें क्या चाहिए? ट्रेनिंग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस में भी ऐसा है, कई जो नए लोग होते हैं, सर मैं तो करता हूँ या करते हैं, उसको भी बहुत सारी चीजें पता नहीं होती। मैं भी बिजनेस शुरू कर दिया, पूरा नॉलेज इतना नहीं था, बट ठीक है, किसी CHA के भरोसे या किसी के भरोसे उसने काम कर दिया। बट जितना प्रॉपर नॉलेज होगा, जितना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगा, उतना बेनिफिट होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सीखिए और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस कीजिए। थैंक यू। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं? राइट बिजनेस मेंटर को फाइंड कर रहे हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करे? देन ज्वाइन आवर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड लर्न फ्रॉम एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेनर मिस्टर परेश सोलंकी। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और विजिट www.onlineexim.com फॉर मोर डिटेल। यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर। लेट्स गो ग्लोबल टूगेदर। ज्वाइन नाउ।